दिल्ली की बैठक में चुनाव प्रबंधन पर लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की। ऐसे में फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आडवाणी और मोदी में क्या वाकई दूरियां मिट गई हैं। इतना ही नहीं, बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। नरेंद्र मोदी आडवाणी को पूरी तरह मनाने में जुटे हैं। बैठक से खबर मिली है कि बीजेपी यूपी की 45 से 50 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम 15 सितंबर तक घोषित कर देगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मोदी ने कहा कि बीजेपी को कुल मुस्लिम आबादी में से 20 से 25 फीसदी मुसलमानों पर फोकस करना चाहिए। यह आबादी पसमानदा मुसलमानों की है जो गरीब और पिछड़े हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात में भी हमें गरीब मुसलमानों का समर्थन मिला है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी करनी होगी और नए मतदाताओं को वोट देने के लिए